Welcome back again. Today we are going to discuss another important topic, subgroups and examples. Of course, we'll be discussing some more topics like what is order of group and then what is the order of an element of a group. So these two, the order of group and order of elements of a group, both are the important thing. When we are going to claim that a given subset of a group is a subgroup or not, so that we will see. Fine. So thing we have seen that if G is a group, suppose for example, when we are talking about E, A, B, and C or AB, that is V4, we have given the name. V4, the group of this group, okay, and Kalin's 4 group, okay, and then so many groups we have talked about Zn under addition modulo n, and we talked about the set of real number under addition, under usual addition, fine, and then R star. With the usual multiplication, so ESR group, and then we talked about UN, and then D1, D2, D3, and also we talked about S1, S2, and S3. ये ग्रुप्स और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं एज एग्जाम्पल, एंड उनकी प्रॉपर्टीज देखी है ना. एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस, ठीक है. So thing is that if we observe the, suppose for example this set G equals to E, A, B, and AB, okay, Kalin's 4 group, and if we are taking any subset of this one, suppose this subset is S, and let us keep two elements, ठीक है. तो यहाँ पे कई सारे सबसेट्स होंगे इसके, ठीक है ना. यूजुअली किसी सेट में अगर एन एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर n, ओके, दैट यू नो. बट नॉट ऑल सबसेट में बी ए सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ ए ग्रुप. सब ग्रुप के लिए क्या होगा कि ये सबसेट हो और साथ ही साथ ये खुद भी एक ग्रुप हो, ठीक है ना. सबसेट हो और साथ साथ ही ग्रुप हो, ग्रुप भी हो, ठीक है. सो सबसेट तो है ये जी का, और आइडेंटिटी इसमें है ही, एंड ए भी है इसमें. सो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एस, एंड देन ए स्क्वायर हम जानते हैं आइडेंटिटी होता है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, ए स्क्वायर भी जी में बिलोंग कर रहा है, तो क्लोज है. ई टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू ए, और ये भी बिलोंग करेगा, नॉट जी बट एस, ठीक है ना. ये भी फिर क्लोज्ड होगा ये, ठीक है ना. एंड सिंस दिस इज ए ग्रुप, सो एसोसिएटिविटी इसमें होगी, तो उसके सबसेट में भी एसोसिएटिविटी होगी, ठीक है ना. इनवर्स की बात करें तो ई सेल्फ इनवर्स है, ये भी सेल्फ इनवर्स है. तो हम देखते हैं कि एस भी एक ग्रुप है, बिकॉज ये वी फोर या जी का सबसेट है, तो इसको हम एस को क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट देखेंगे और एग्जाम्पल्स हम देखने जा रहे हैं, ठीक है. और कुछ हम लोगों ने और डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे ये V4 में है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है. सो V4 का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना. Zn का, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, n होते हैं, ठीक है ना. R में इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना. इनफाइनाइट, हाँ, तो ये फाइनाइट ग्रुप नहीं है. अगर कोई ग्रुप फाइनाइट नहीं है तो फिर हम इसको इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे. ये भी हमारा इनफाइनाइट ग्रुप होने जा रहा है, ठीक है ना. ये फाइनाइट होगा बिकॉज एन से लेस और एन के टू प्राइम जो नंबर्स होंगे वो हमेशा एक फिक्स्ड नंबर होंगे, ठीक है ना. D1, D2, D3 ये भी फाइनाइट होने जा रहे हैं, और ये भी फाइनाइट होने जा रहे हैं. S1, S2, S3 इसलिए फाइनाइट होने जा रहा है क्योंकि S हमने जो कंसिडर किया था वो एक फाइनाइट सेट था, ठीक है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन से ग्रुप फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है. अब आते हैं हम ऑफिशियल डेफिनेशन पे, ठीक है.
किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है एंड ऑल. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप. सो इट इज क्लियर फ्रॉम हियर दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप. सो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द काउंटिंग प्रिंसिपल व्हाट वी हैव लर्न्ड इन रियल एनालिसिस. ठीक है ना, आप उसमें भी जानते हैं कि हमें जब काउंटेबल अनकाउंटेबल करना होता है तो देर आर टू थिंग्स, टू थिंग्स. एक तो होता है कि फाइनाइट होता है, ठीक है ना, फाइनाइट होता है. दूसरा होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट. फाइन, सो फाइनाइट इज देन ऑल राइट देन. बट इफ इनफाइनाइट तो यहाँ पे हो सकता है काउंटेबल हो सकता है अनकाउंटेबल हो. ठीक है, काउंटेबल कब होगा, इफ देर एग्जिस्ट ए वन वन और ऑन टू मैप, कहाँ से कहाँ तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उस सेट तक मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो सेट फाइनाइट है, तो वो सेट काउंटेबल है, इनफाइनाइटली काउंटेबल हो गया. ठीक है ना, सो ऐसा नहीं है, फाइनाइट जो होगा ये काउंटेबल होगा ही होगा. इनफाइनाइट भी काउंटेबल होते हैं अगर उनको हम एक मैप एग्जिस्ट कर, हम एक मैप फाइंड कर पाए सच दैट कि उस सेट से और नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक एक वन वन ऑन टू मैप एग्जिस्ट करे तो. ठीक है ना, सो ये है जो बेसिक प्रिंसिपल है रियल एनालिसिस में, हम काउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो. ठीक है ना, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विजिबल होते हैं, वहाँ हम रियल एनालिसिस का यूज करके पता कर पाएंगे या देख के भी पता कर पाएंगे. इफ देयर आर फाइनाइट नंबर वी कैन काउंट, इफ देयर आर इनफाइनाइट देन वी सी कि इसमें काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल. बट यहाँ पे दो ही चीज़ें आने वाली हैं, एक तो फाइनाइट आने वाला है और दूसरा इनफाइनाइट आने वाला है ग्रुप में हम जब बात करेंगे. ठीक है ना, हम ये नहीं कहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट है और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है. ठीक है ना, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज फाइनाइट और इनफाइनाइट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर और इट इज डिनोटेड बाई जी. ऐसे ही आप वर्टिकल लाइन के बीच में आप लिखते हैं. ठीक है ना, मॉड के अंदर में. और समटाइम्स सम ऑथर यूज टू राइट लाइक दिस ऑर्डर ऑफ जी. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल v4 की कार्डिनलिटी क्या होगी, 4 होगी. q8 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 होते हैं. ठीक, और बताइए आप zn में बताइए n होंगे. ठीक ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसकी बात करेंगे तो ये इनफाइनाइट होने जा रहा है. ठीक है, और एग्जाम्पल्स जैसे हमने देखा था कि s2 में 2 फैक्टोरियल है ना, दैट इज 4, और d3 में 6 इन जनरल, n में 2n, और sn में n फैक्टोरियल होगा. इन जनरल हम देखेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर में, कमिंग चैप्टर्स में, मे बी इन चैप्टर नंबर 7 और सो. ठीक है, सो आई थिंक ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज क्लियर टू एवरीवन. फाइन सर, ओके. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सब ग्रुप विच वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट डेफिनेशन, कमिंग डेफिनेशन. सो ऑफकोर्स सब ग्रुप की जब हम बात करेंगे, मान लीजिए एस सब ग्रुप है किसका, जी का, तो इसका सबसेट होगा. ठीक है ना, तो सर्टेनली सब ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप से कम ही होंगे, इस चीज हमें ध्यान रखनी होगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम. नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जी ऑफ स्मॉल जी ऑफ ग्रुप जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. दिस शुड बी नोटेड, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच देन जी रेस टू पावर एन इक्वल्स टू द आइडेंटिटी. तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, और एडिटिव में ये हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज, जैसे जी टू द पावर एन लिखा हमने, तो मिनिमम नंबर ऑफ कितनी कॉपीज होंगी जिनको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, सच दैट कि वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए. ठीक है ना, ऐसे ही एडिटिव ग्रुप में क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जी जिनको हम ऐड करें सच दैट उनका सम आइडेंटिटी हो जाए. ठीक है, और इफ नो सच एन एग्जिस्ट देन वी से दैट द एलिमेंट हैज इनफाइनाइट ऑर्डर. ठीक, अगर ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं किया
तो हम कहेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? सो एग्जांपल्स देखते हैं हम। ठीक है, U15 हम बात नहीं करते हैं, दूसरा हम देखते हैं। जैसे हम बात करें तो Z की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन की बात करें, ठीक है ना। एक तो इसका जो ऑर्डर है, ग्रुप का ऑर्डर, ये इनफाइनाइट होने जा रहा है, ठीक है ना। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक, अब जीरो का ऑर्डर क्या होगा? वन। आर यू श्योर अबाउट दिस? यस सर। सो दिस लेट इट बी अंडर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, वन का ऑर्डर हमें क्या करना है, देखिए एडिटिव ग्रुप है तो वन को कितनी बार ऐड करें कि ये जो है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मिल जाता है हमें, ठीक है ना, सच दैट कि इनका सम जीरो हो जाए, तो क्या कभी ऐसा आएगा, बताइए आप। नो सर। सर कभी नहीं आएगा ना, आप चाहे 1000 टाइम्स, 2000 टाइम या 1 टाइम, 2 टाइम, जितनी बार भी ऐड करेंगे वो जीरो कभी नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब इस ये ऑर्डर इसका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। फाइन, एंड नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ 2 every non-zero element, every non-zero element of Z has infinite order. Fine. Just hold on. Someone has came. हेलो। यस सर। हेलो, सॉरी, डिस्टर्ब। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ओके, सो इन जेड प्लस वी हैव सीन दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जेड हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। फाइन, सो समवन जस्ट टोल्ड दैट ऑर्डर ऑफ जीरो इज वन, ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट थिंग। फाइन, because the order of 0 is always a positive integer. Okay, we are not going to count that is what say that is some power of some element,
if we are rising at zero, suppose x root power zero, we used to write like this. Of course, we can define in some way, but thing is that this is always a positive integer. ठीक है ना? और वो one से ही start होता है, तो zero का order क्या होगा? One होगा, बाकी सारे का order infinite होगा. ठीक है? So this may be good for example if someone asks you, okay, give me an example where every element except one element has power has order infinite. Fine. So this will act as an example. So let us see the next example. Suppose we are taking another example. Let us take. Suppose we are taking Z2 or Z5, okay, 0, 1, 2, 3, and 4, fine, and then Z5 multiplication modulo 5, fine. So 0, order of 0 is 1 because this is identity. As soon as we know the identity, we can very much write, okay, and then order of 1. क्या होगा, वन को कितनी बार ऐड करें, ठीक है ना, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है, सो वन को कितनी बार ऐड करें कि ये जीरो हो जाए. फोर बार हाउ? फाइव टाइम्स वी नीड टू ऐड फाइव टाइम्स, सो फाइव टाइम्स वन, ओके, फाइव टाइम्स वन इक्वल्स टू जीरो, फाइन. सो वन का ऑर्डर फाइव होगा. How about 2? 2 का ऑर्डर क्या होगा? 2 प्लस, अब ऐसे कर लो ना, n से मल्टीप्लाई करना है 2 में, सो दैट कि ये मल्टीपल हो जाए किसका, 5 का मल्टीपल हो जाए. मिनिमम क्या होना चाहिए यहाँ पे? 5 मिनिमम 5, हाँ ठीक है, 2 का ऑर्डर भी 5 होगा पक्का? यस सर. 2 टाइम्स ऐड करेंगे 4 आएगा, 3 टाइम्स करेंगे 6 आएगा, है ना, एंड 4 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा, तो भी नहीं होगा. एंड देन 3 ऑर्डर का, 3 का ऑर्डर कितनी टाइम्स ऐड करें? 5 टाइम्स, रियली, ओके. एंड देन 4 वो भी 5 टाइम्स. सो एक्सेप्ट वन एलिमेंट से other elements are of order 5, okay. So इसका मतलब क्या है? Self inverse elements इसके पास कितने हैं? How many self inverse Z5 have? How many elements Z5 are self inverse? केवल एक ही ना? ऑर्डर अगर 2 होगा ना, अगर ऑर्डर 2 होगा तब सेल्फ इनवर्स होंगे, ठीक है ना, ऑर्डर 2 होगा तो सेल्फ इनवर्स होंगे. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट मैं लिखता हूँ, एन एलिमेंट in non-identity element having order 2 is called self-inverse. Okay, ठीक है. सो आइडेंटिटी 1 तो होता ही है, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है. तो कोई ऐसा एक एलिमेंट बताइए किसी ग्रुप में जो सेल्फ इनवर्स हो लेकिन उसका ऑर्डर 2 ना हो, तो कौन सा एलिमेंट होगा? 0 आइडेंटिटी, हाँ, इसमें 0 होगा, अदरवाइज हम इन जनरल वी से आइडेंटिटी, फाइन. U15 लेट अस सी एग्जांपल, U15 में देखते हैं हम, U15 में 1, 2, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, है ना, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं, 7, 8, 10 नहीं, 11, है ना,
13 एंड 14 फाइन यही एलिमेंट्स होंगे इसमें यू 15 में सो यू 15 का ऑर्डर बताइए आप 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है फाइन 8 और 1 का ऑर्डर देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है यू 15 यू 15 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 फाइन सो 1 का ऑर्डर कितना होगा ठीक है ना सो 1 का ऑर्डर तो क्या होने वाला 1 ही होने वाला है सेल्फ ये आइडेंटिटी है 2 का ऑर्डर 2 की पावर 2 अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा ठीक है ना 2 की पावर 2 4 2 टू द पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया फाइन 2 टू द पावर 4 16 है ना 4 होगा 16 ये 16 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा है ना सो दिस इज द मिनिमम स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट g टू द पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी फाइन सो इस केस में दिस इंप्लाई दैट 2 का ऑर्डर कितना होने वाला है 4 होने वाला है पक्का चलिए 4 का ऑर्डर देखते हैं हम 4 टू द पावर 1 4 4 टू द पावर 16 है ना तो 16 कितना होगा 1 होगा सो 4 का ऑर्डर कितना हो गया ये 2 हो गया फाइन नेक्स्ट 7 हो गया 7 स्क्वायर 49 ठीक है 49 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा है ना 4 आएगा ये ठीक है ना 3 243 अच्छा अब एक चीज है जैसे अब इफ यू आर गोइंग दिस वे एंड नंबर आगे हम जाएंगे तो बिगर होता जाएगा सो इट इज नॉट गुड एडवाइस टू सी लाइक दिस ओके बिकॉज टू डू लाइक दिस बिकॉज वी हैव मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 सो वी कैन टॉक अबाउट एवरी कैलकुलेशन हियर इन टर्म्स ऑफ मॉडुलो 15 ओके सो 49 कितना होगा बेटा 49 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा ना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 मॉडुलो 15 पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना ठीक है तो 7 कांग्रुएंस रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सो अब इनको साइड बाई साइड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना ये साइड बाई साइड इसको हम लिख सकते हैं 7 कांग्रुएंस टू 7 मॉडुलो 15 ठीक है ना तो इनको साइड बाई साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सॉरी इन दोनों को तो 7 टू द पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 मॉडुलो 15 होगा ठीक ना अब 28 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 13 ना 13 मॉडुलो 15 ठीक है तो 7 टू द पावर 3 हो गया 7 टू द पावर 4 करने के लिए इसको और इसको कर लेते हैं ठीक ना तो लेफ्ट हैंड साइड 7 टू द पावर 4 एंड इन द राइट हैंड साइड 65 हो जाएगा नो 91 मॉडुलो 15 सो मल्टीप्लाई 1 मॉडुलो 15 हो गया ठीक है ना ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को कांग्रेचुलेशन का ठीक है यस और अगर If you are having some trouble, I can take in one lecture on this. और मैं notes आपको share कर दूंगा इसके मैंने पिछली बार भी notes से share किया था थोड़ा सा hint देकर ठीक है So 7 का order कितना हुआ ये 4 जो minimum हुआ है ना ये minimum कितनी power इसीलिए हम एक एक power देख रहे हैं तो इसकी seven का order जो होगा ये कितना हो गया 4 हो गया fine let us see next 8 to the power 1 8 modulo 15 ठीक है इसका मतलब है 8 minus 8 को 15 डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली ठीक है यही है कांग्रुएंस रिलेशन से 8 to the power 2 64 होगा है ना 64 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा है ना 4 modulo 15 ठीक है 8 to the power 3 2 modulo 15 फाइन साइड बाई साइड मल्टीप्लाई कीजिए 8 टू द पावर 3 हो गया और यहाँ पे 32 को 15 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आ रहा है 8 टू द पावर 4 करेंगे तो फिर इसका देखेंगे ना
या फिर हम डायरेक्टली इसी को स्क्वायर कर सकते हैं, 8 to the power 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, 16 होगा तो ये 15 हो जाएगा ना, 15 फाइन. सो 8 का भी ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा. One. ठीक. और सर 1 नो सर 1 मॉडुलो 15 बोल रहे थे, ऑर्डर 4. यस ओके ओके. सो लेट अस सी 11 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉडुलो 15. सो दिस इज a good way of computation here. So 11 is congruent to 11, then 11 is square, we have 121 hai na, 121 one. Ko hum 15 se divide karenge, so 1 modulo kitna remainder hai, so 1 modulo 15. Okay, 121 ko aap 15 se divide karenge to okay 18 times 8 times karenge to 120 हो जाएगा ना. ठीक है. सो 11 का ऑर्डर कितना होगा, 2 हो गया. ठीक है. अब हम इसमें देख रहे हैं ओके okay. अब एक और दो और बच रहे हैं, 13 का देखते हैं और लेट्स सी फॉर 13 एंड 4. 13 का 4 हो जाएगा ओके okay. आप वेरीफाई कर लेना. एंड 14 का आपको पता है ना, एक हम लोगों ने रिजल्ट किया था ना उस दिन, एक दो दिन पहले हम लोगों ने किया था कि UN में है ना, UN में n माइनस 1 क्या होता है, सेल्फ इनवर्स होता है ना, याद है आपको. हाँ. सो 14 का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया. सो व्हाट वी सी, 2 का ऑर्डर, 1 का ऑर्डर, order of 1 equals to 1, यहाँ पे summarize कर देते हैं, order of 2 equals to 4 and equals to order of 4, order of 8 है ना, order of 8 का भी 4 है और 2 का भी 4 है और किसी का 7 का भी 4 है ना, 7 का भी order 4, 13 का भी 4 है और 13 का भी ऑर्डर 4 है. ओके. सो ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 और ये ऑर्डर है 14 का भी और ये ऑर्डर है 11 का भी, है ना, फाइन. सो एक एलिमेंट जो है, 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 है, 4 एलिमेंट किस ऑर्डर के हैं, 4 ऑर्डर के हैं, एंड 3 एलिमेंट्स किस ऑर्डर के हैं, 2 ऑर्डर के हैं. तो टोटल नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वेयर आई एम मिसिंग 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट यहां पे हो गया यहां. ओके ये सम करेंगे हम, 8 आ रहा है टोटल, 8 एलिमेंट्स. ठीक है ना, ये एलिमेंट्स हैं और ये ऑर्डर है. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो हमें पूरा ग्रुप का स्ट्रक्चर पता चल गया. ग्रुप का स्ट्रक्चर, क्या पता चला कि U15 में ठीक है ना, अगर हम बात करें, सो एलिमेंट एंड ऑर्डर, ठीक है ना. सो एक एलिमेंट जो है 1 ऑर्डर का है, ठीक है ना, और 4 एलिमेंट 4 ऑर्डर के हैं, 4 एलिमेंट्स 4 ऑर्डर के हैं, और 3 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के हैं. ठीक है ना, पूरा स्ट्रक्चर हमें पता चल गया. ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्डर, पूरा स्ट्रक्चर हमें ग्रुप का पता चल गया. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. सो आगे हम ऐसे ही करेंगे कि जब भी ग्रुप मिलेगा तो उसके ऑर्डर कितने हैं और वो कितना. अच्छा, यहीं से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. U15 का ऑर्डर कितना था, 8 था. तो अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो ऑर्डर आ रहा है एलिमेंट का, वो सारे के सारे किसको, 8 को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है ना. यस सर, यस सर. एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है. ठीक है ना. सो क्वेश्चन ये है, क्या हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, या फिर कोई नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है,
सो क्या उस ऑर्डर का उसके पास एलिमेंट होगा, जैसे 8 के डिवाइजर्स, ठीक है ना। हम आगे देखेंगे इसको डिटेल में। सो डिवाइजर्स ऑफ 8 कौन कौन से डिवाइजर्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, ठीक है ना। लेकिन इसमें 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। सो पहला वाला ज्यादा वो होता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर प्रेडिक्शन, समझ रहे हो ना। हमने प्रूफ नहीं किया अभी इसको, फाइन, ओके। So this is our prediction. We will see later on that this prediction is true. Anyway, so I think things are clear until now. What is order of a group and what is the order of an element? ठीक है, चले आगे अब। Yes sir. एक example और ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं एक example G बनाते हैं। क्वाटर्नियर ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 माइनस 1 और आई और माइनस आई, ठीक है ना। इसके सो 1 हमारा आइडेंटिटी होगा, यूनिटी, तो 1 का ऑर्डर 1 होगा। माइनस 1 का ऑर्डर कितना है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, जी अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस 1 टाइम्स माइनस 1, ठीक है ना, 2 होगा, ठीक है ना। ये आई है, आई का ऑर्डर कितना होगा, आई की पावर या आई को कितनी बार मल्टीप्लाई करें मिनिमम कि आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है ना। आई टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, सो दिस इंप्लाइज दैट आई का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट माइनस आई, 2 पक्का? यस सर, यस सर। अच्छा, सो माइनस आई टाइम्स माइनस आई है ना, माइनस आई टाइम्स माइनस आई, सो प्लस हो गया, कैसे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा आपको? फोर आएगा, माइनस आई प्लस हो गया, तो कितना आई स्क्वायर ही तो आया बेटा, ये कितना हो गया, माइनस वन होगा ना, 4 होगा सर, 4 होगा सर, क्या होगा। अब कुछ चीजें यहाँ पे और मैं आपको ऑब्जर्व करवाते हैं, हम ऑब्जर्वेशन से चलते हैं, प्रूफ तो होता रहेगा आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं कि 4 का ऑर्डर 2 है, ठीक है ना, 4 का ऑर्डर 2 है और किसका ऑर्डर, 11 का ऑर्डर 2 है, ठीक है ना, 14 का ऑर्डर 2 है, ठीक है ना, 14 तो सेल्फ इन्वर्स है। चलिए, ये सारे जिनके जिनके 2 होते हैं वो सेल्फ इन्वर्स होते हैं, ठीक है ना। 7 का ऑर्डर 4 है और बाकी 3 एलिमेंट्स और हैं जिनके ऑर्डर 4 हैं, 2 का ऑर्डर भी 4 है, ठीक है ना। तो 7 और 2 क्या एक दूसरे के इनवर्स है, नहीं है। 2 का इनवर्स क्या होगा इसमें, 2 का इनवर्स ना वो इसका ऑर्डर है, ठीक है ना, उसी ऑर्डर के एलिमेंट ढूंढ लो, उसी में से कोई कोई ना कोई होने वाला है। हम आगे देखेंगे कि एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। 8 होगा 8 2 जा कितना हो गया 16 और 16 1 के इक्वल है ठीक है ना अब 7 और 13 बच रहा है तो ये डेफिनेटली एक दूसरे के ये इनवर्स होने वाले हैं 91 आएगा 7 इंटू 13 91 है ना एंड 91 को 15 से करेंगे डिवाइड और रिमाइंडर बनाएगा फाइन सो सिमिलर वे यहाँ पे आइडेंटिटी को तो छोड़ दीजिए, इनकी कहानी अलग है, ठीक है ना, फाइन। और माइनस 1 ये भी सेल्फ इनवर्स हो गया। अब आई और माइनस आई है, ठीक है ना, आई और माइनस आई है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस 1 और टाइम्स आई स्क्वायर आया, कितना हो गया, 1 हो गया। ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं, ठीक है ना। और आई का ऑर्डर और माइनस आई का ऑर्डर ये दोनों सेम हो रहा है, ठीक है ना, दोनों का ऑर्डर 4 हो रहा है, ओके। चलें आगे अब। यस, इसी में एक पॉइंट और नोट करते हैं हम इस वाले एग्जांपल में, U15 में
हमने ये देखा कि वन ऑर्डर का एलिमेंट है, टू ऑर्डर का एलिमेंट है, फोर ऑर्डर का एलिमेंट है और एट ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है. आगे हम देखेंगे अगर एट ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया, एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन दैट ग्रुप, सो इन दैट केस वी से दैट दैट ग्रुप इज साइक्लिक. ठीक है ना, हम उसको साइक्लिक कहेंगे. अगर जिस ऑर्डर का ग्रुप है उसी ऑर्डर का एक एलिमेंट उसे मिल गया तो हम उसको साइक्लिक कहेंगे. साइक्लिक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसी एक एलिमेंट से पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा. अच्छा, ये भी हम देख ही लेते हैं. यहाँ पे जब आप सेवन पे पावर लगा रहे थे ना तो सेवन आया, ठीक है ना, फोर आया, सारे इसी के एलिमेंट आएंगे. देखना ध्यान से, 28 को फिर आपने सिंप्लीफाई किया, 13 आया ना ये, ठीक है, फिर क्या है, वन आया. सो इसके एलिमेंट की कितनी भी पावर लगाओ तो क्या आएगा, इसी ग्रुप का एलिमेंट आने वाला है क्योंकि वो ग्रुप है दूसरों का. लेकिन सारे एलिमेंट नहीं आ रहे, केवल 2 आया, 4 आया, 13 आया, तीन ही एलिमेंट जनरेट कर पाया पावर लगा के. और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी पावर हम रेज करके पूरे के पूरे एलिमेंट को इसके जनरेट कर पाए. ठीक है ना, सो वी विल सी दिस प्रॉपर्टी लेटर ऑन इन दिस चैप्टर इटसेल्फ. सो हियर वी हैव सम रिजल्ट्स, लेट अस गो थ्रू द प्रूफ क्विकली. सो प्रूफ, अब ये फर्स्ट कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए है और दूसरे किसी और एलिमेंट से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करें हम एक्स और उसके इनवर्स से, ठीक है ना, तो भी उसका ऑर्डर सेम ही रहता है, वही रहता है जो एक ऑर्डर है. ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ए बी प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर सेम रहेगा, ए बी का और बी ए का, दोनों का, वेदर ग्रुप अवेलियन हो नॉन अवेलियन हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना, तीसरा कहता है कि ए और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम रहेगा. एंड फोर्थ कहता है कि अगर ए टू द पावर एम आइडेंटिटी है, ठीक है ना, तो ए का ऑर्डर जो होगा या तो एम के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, और साथ ही साथ एम को ये साथ ही साथ वो ग्रुप जो ग्रुप का ऑर्डर है ना वो एम को डिवाइड कर रहा होगा. ठीक है ना, देखते हैं हम एक एक करके एग्जांपल, इसका प्रूफ और फिर एग्जांपल देखते हैं. पहले का प्रूफ देखते हैं, फर्स्ट का प्रूफ, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है ना, एंड ऑर्डर ऑफ ए प्लस टू एन. ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट ए टू द पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं इसमें. ठीक है, एंड दिस विल इंप्लाई दैट ए टू द पावर एन, यहाँ पे हमने कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट में और राइट से एक्स इनवर्स में मल्टीप्लाई कीजिए. हम इसको पहले प्रूफ करने जा रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स ई एक्स टू द पावर, दोनों मतलब लेफ्ट और राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स इनवर्स से. ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट ये साइड हमारा x a टू द पावर n x इनवर्स हो गया. दिस इज इक्वल्स टू राइट साइड में आइडेंटिटी है, इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो x इनवर्स आएगा और ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा. ठीक है ना, ओके फाइन, इतना क्लियर है आप लोगों को? यस सर. ओके ठीक है. So, and conversely, the order of A दिया है, दिया है यार. हाँ, A any element, ये है ना, A any element है, कोई भी element हो, fine. For any element, this is true. And then we can write x A x inverse to the power n equals to x A to the power n x inverse equals to आइडेंटिटी. ठीक है ना, ये स्टेप आप यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ वाला स्टेप आप वेरीफाई कर सकते हैं, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, तो आप कीजिएगा. ठीक है ना, रिवर्सल लॉ का यूज़ करके हो जाएगा, तो आप करिएगा तो. ठीक है ना, और अगर दिक्कत होती है यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना हो गया. ठीक है ना, एंड देन ये हो गया ऑर्डर ऑफ ए. यहाँ से तो ऑर्डर ऑफ ए हमने सपोज किया था एन है, यानी ये होल्ड हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया, इसका इसके ऊपर जो पावर हम रेज कर रहे हैं एन कर रहे हैं और एन स्मॉलेस्ट है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो रहा है. ठीक है ना, ये
आइडेंटिटी के इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स कितना है n है, एज n इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर है तो ये स्मॉलेस्ट होगा ही, ठीक है ना। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे आप a टू द पावर n से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और इफ एंड ओनली इफ आप करेंगे x इनवर्स a टू द पावर n x इक्वल्स टू x इनवर्स a टू द पावर सॉरी e, यहाँ पे होगा e और फिर x होगा, तो यहाँ पे कितने के इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देन दिस x इनवर्स a x टू द पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और e स्मॉलेस्ट n स्मॉलेस्ट है, सो दिस इंप्लाइज दैट x इनवर्स a x इसका ऑर्डर भी n होगा। सो a टाइम्स b का देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे ए बी, ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं ए बी, ठीक है ना, और यहाँ पे a और टाइम्स a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आइडेंटिटी देने वाला है हमें, ओके। सो इसको हम लिख पाएंगे a b a a इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना सर। अब अभी हम लोगों ने देखा कि लास्ट वाला जो पहला वाला जो रिजल्ट था उसमें था कि a का ऑर्डर अगर n है सो ये इम्प्लाई कर देगा, क्या इम्प्लाई कर देगा कि a का ऑर्डर इक्वल्स टू हो जाए, कोई एलिमेंट उठाइए और उससे इनवर्स से प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए उस एलिमेंट से उसके इनवर्स से, तो उन दोनों का ऑर्डर सेम हो जाता है, ठीक ना, ये बीच में जो एलिमेंट है यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो इसमें बीच वाले एलिमेंट क्या है, बी ए ए बी है, बी ए है ना, सो बी ए का ऑर्डर, ठीक है, बी ए का ऑर्डर, बी ए का ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी ए और ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, हेलो, फाइन, इसका यूज करके, है ना, इसका यूज करके, बट ये किसके इक्वल है, ये ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जब दोनों एलिमेंट सेम है तो दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फाइन। थर्ड पार्ट देखते हैं फिर से, यू वांट रिवीजन, हेलो, यस सर, हेलो, यस सर, एक बार फिर से बता दीजिए, फर्स्ट से बता दीजिए, ओके, फर्स्ट वाला या ये वाला, सर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले का, ओके, फर्स्ट वाले का ये था कि इट इज गिवन कि ए का ऑर्डर n है, ठीक, ए का ऑर्डर n है तो ये इंप्लाई करेगा a टू द पावर n इक्वल्स टू e, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, नो सर, ओके, ठीक है। सो अब हम करेंगे क्या कि a टू द पावर n में है ना, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट में और x इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे राइट में, फाइन, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक, x e x इनवर्स, राइट हैंड साइड कितना बन जाएगा, ये आइडेंटिटी है तो x x इनवर्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी हो जाएंगे, ठीक है, सो बचा क्या x a टू द पावर n x इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी, बट इसको हम लिख पाते हैं x a और x इनवर्स, ठीक है, इसकी पावर n हम इसको लिख पाएंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ, और n स्मॉलेस्ट है, n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब x a x इनवर्स इसका ऑर्डर क्या हो गया, n हो गया, ठीक है ना, फाइन, यस सर। अब ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है ना, जिसको आप एक्सपेंड करके ट्राई कीजिएगा कि कैसे लिखते हैं, कैसे लिख पाएंगे आप, ठीक है ना, इन दोनों का आप देख लीजिएगा, आई एम लिविंग इट फॉर यू,
सिंपल एक्सरसाइज है, तो आप कर लीजिएगा इसको, फाइन। चलिए, मतलब आप क्या, आपको क्या करना है यहाँ पे, ए एक्स ए एक्स इनवर्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एक्स ए टू पावर एन एक्स इनवर्स, ठीक ना। ये आपको देखना है, ये आप देखिएगा, प्रूफ करिएगा, ठीक ना। इसको मैं क्लेम कर दे रहा हूँ, डू योर सेल्फ, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे ना तब आपको क्लियरिटी आएगी इसमें। ओके, देन दिस वन इज ओके, और यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? क्लियर सर, क्लियर। क्लियर है, ओके, ठीक है। देन लेट अस सी थर्ड वन, ऑर्डर ऑफ ए, दे आर सेइंग दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, फाइन। So, order of A equals to order of A inverse. इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, order of A equals to N है अगर, ठीक है ना, let, ठीक है, then A to the power N equals to identity हो गया, fine. So, let us write A to the power N का inverse, और left right side में भी inverse करते हैं। E self inverse होता है, E का inverse खुद ही होगा, ठीक है ना, E ही होगा, सो ई हो जाएगा ये। सो ए टू द पावर एन की पावर माइनस वन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज दैट ए टू द पावर एन माइनस वन टू द पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, और एन स्मॉलेस्ट है, एन इज स्मॉलेस्ट, सो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एन। पक्का कोई दिक्कत नहीं? हेलो, यस सर, यस सर। लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, इट सेज दैट कि इफ ए टू द पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एम, ठीक है ना। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अभी हम लोगों ने एक ग्रुप लिया था जी, ठीक है, और उसमें वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा ये रखा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई का ऑर्डर कितना था, फोर था, है ना, तो आई टू द पावर फोर कितना आ रहा, एट वन आ रहा था, और फोर ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर था, इंटीजर था, ठीक है। सो आई टू द पावर अगर फोर है, इसका पावर टू करेंगे तो कितना आएगा बेटा, वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन ही तो आएगा, तो आई टू द पावर एट कितना हो गया, वन हो गया, है ना। सो हम क्या देखते हैं कि कोई भी पावर यहाँ पे लगाएंगे ना, या तो ऑर्डर होगा, या अगर ऑर्डर नहीं हुआ तो भी इसको इस वाले नंबर को ऑर्डर डिवाइड करेगा। तो ये यही कह रहे हैं, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सच दैट ए टू द पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो कुछ भी ऑर्डर ए का हो, इट विल डिवाइड ऑलवेज एम, दिस एम, ठीक है। ऐसे ही आई टू द पावर अगर इसका भी वो कर दे, 16 कर दे तो भी वन होगा, तो 4 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 16 को भी डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है, 4 32 को भी डिवाइड करेगा, सो दिस इज द केस। तो लेट अस अज्यूम दैट लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और मिनिमम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सो दिस इंप्लाइज दैट ए टू द पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है, फाइन। यस सर। लेट एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन, एम कोई इससे बड़ा नंबर है, किससे, एन से, इंटीजर से बड़ा नंबर है, ठीक है ना, सच दैट ए टू द पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हो रहा था ना, 16 हम लिख रहे थे, 18 लिख रहे थे, है ना, पक्का कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, अगर m जो है n से बड़ा है, सो हम m को कैसे लिख पाएंगे, m इक्वल्स टू n टाइम्स q प्लस r लिख पाएंगे, है ना, जहाँ पे r जो होगा रिमाइंडर है, जीरो से इक्वल टू या उससे बड़ा होगा, और n से छोटा होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, q कोसेंट है ना, फाइन।
So a to the power m equals to identity. This should imply that a to the power n q plus r equals to identity. Okay. So this implies that a to the power q or iski power n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, into a to the power r equals to identity. Fine. So this implies that ये क्या हो गया, a to the power, we write in it another way. A to the power n, इसकी power q लिखता हूँ, ठीक है ना, ये क्या identity हो जाएगा, ठीक है. So identity into a to the power r equals to e. Fine. E to the power r equals to identity. So this implies that e to the power r equals to e. Fine. कोई दिक्कत नहीं? No sir. So अब यहाँ पे दो केसेस हैं. First केस क्या है? First केस क्या है? पहला, if r equals to zero, ठीक है ना? Then we are done. कैसे? R equals to zero हुआ तो m equals to n cube हो गया. Fine. तो इसका मतलब क्या है कि n जो है m को divide कर रहा है. पक्का? कोई दिक्कत नहीं इसमें? No sir. यहाँ पे दो केसेस बनेंगे ना, या तो r zero होगा या तो r zero से n के बीच में होगा. Second, if r between n to zero, then what? A to the power, a का order क्या हो गया? R हो गया. क्योंकि ये हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे देखो R क्या है, n से छोटा है ना, समझ रहे हो ना? तो order जो होता है smallest positive integer होता है, तो R तो positive भी है और integer भी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर r 0 से 1 के बीच में हो गया तो ये होगा कि n से छोटा भी एक नंबर है जिसको हम a के ऊपर रेज कर रहे हैं तो आइडेंटिटी दे रहा है. तो इसका मतलब r उसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, विच इज ए कंट्राडिक्शन. एज ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n, और n स्मॉलेस्ट होता है, इससे कम में काम चलेगा ही, जैसे यहाँ पे 4 था ना, 4 से कम में काम चलता ही नहीं, तो ऐसे n से कम में काम चलता है, चलेगा ही नहीं, ठीक है. सो वी आर फोर्स्ड टू कंक्लूड दैट r हैज टू बी 0. फाइन? यस सर. सो आई थिंक वी डोंट हैव टाइम टुडे नाउ फॉर फर्दर डिस्कशन.